केंद्र की डीआरटी स्कीम पानीपत में सिर्फ किश्तों में पूरी होती नजर आ रही है। गरीबों को राशन तो मिला लेकिन बहुत धक्के खाने पर। लॉकडाउन में गरीबों को भूखा ना सोने देने की केंद्र सरकार की योजना डीआरटी पानीपत में किश्तों में पूरी करनी पड़ रही है। दरअसल सर्वे में हुई बीएलओ की गलती का खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया की रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का असर शुरू होते ही लॉकडाउन के तुरंत बाद केंद्र सरकार उन गरीबों के लिए राशन योजना लेकर आई थी जो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में फंस गए थे। उनके पास अपना राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ था। इस स्कीम को डीआरटी यानी डिस्ट्रेस राशन टोकन का नाम दिया गया था। पानीपत जिला भी डीआरटी स्कीम में शामिल था। यहाँ करीब 1,00,000 परिवारों को डीआरटी किट दी गयी, पर यहाँ सर्वे में लगे बीएलओ बड़ी चूक कर गए। सरकार ने कहा 5-5 किलो पर हेड मिलेगा। हाँ जी। एक फैमिली में 4 या 5 है तो उनको 20 या 25 किलोमीटर पर हेड 5 किलो राशन 1 महीने का। ये था ना सर, पहले यही था। हाँ, हाँ जी। कहीं किसी लेवल पे गलती तो हुई है सर, ये ऊपर से ऑर्डर सर, हम क्या कर सकते सर। ये पहले तो 1 को मिला 5 किलो और पूरी फैमिली का आधार कार्ड देके गए हैं। वो कम्प्लीट को मिलेगा 5 आदमी। कितना मिला था आपको जी? 5 किलो आटा था, तेल था 2 किलो, किलो दाल था और हल्दी का पैकेट था, ये सामान था। तो बाकी अब ये आपको देंगे इसलिए बुलाए? फार्म भर रखा था जी, वो ही है जी। दरअसल प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पीरियड में परिवार में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, प्रति परिवार 2.5 किलो दाल, चावल और सरसों का तेल देने का ऐलान किया था, पर पानीपत में बीएलओ ने परिवार के मुखिया का नाम लिखकर लिस्ट फाइनल कर दी। नतीजा पूरे परिवार को एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ 5 किलो राशन मिला, जबकि ये परिवार के एक यूनिट के लिए था। दूसरी बार मिलने के बाद अब तीसरी बार की भीड़ आजकल गली मोहल्लों में नजर आती है। आनन फानन में जिस तरह से हुआ, क्योंकि सर्वे का टाइम भी बहुत कम था, उधर से प्रवासी मजदूरों का जो पलायन चल रहा था, उधर से बीएलओ का घर घर जाना और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जहां पे हर आदमी डर रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, उसके बाद जब वो बीएलओ कॉलोनियों में जाते थे तो लोगों का झुंड उनको घेर लेता था। तो ऐसे में बीएलओ को भी सुरक्षित रखना था, लोगों को भी सुरक्षित रखना था और हमें भी सुरक्षित रहना था। यानी पानीपत में केंद्र सरकार की डीआरटी स्कीम को अब किस्तों में सिरे चढ़ाया जा रहा है। दरअसल अगर स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी होती तो लॉकडाउन में इन गरीब महिलाओं को लाइन में लगना और फिर सिर पर बार बार राशन ढोने की मजबूरी नहीं होती। यानी एक चूक हजारों परिवारों को परेशान कर गई, प्रशासन की जग हसाई हुई अलग। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।